आधार कार्ड को लिंक कराए जाने में आ रही परेशानियों को लेकर अक्सर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कई बार झगड़े भी होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज कलेक्टर कार्यालय स्थित आधार सेंटर में, जब एक पंडित जी आकर भड़क गए। कस्तूरबा कॉलोनी निवासी पंडित भुवनेश्वर का कहना है कि विगत 4 माह से वह आधार कार्ड में अपना नाम एवं डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इसके लिए वे कई बार 50-50 रुपए का चार्ज भी दे चुके हैं और परेशानी अलग हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके बारे में वहाँ बैठे सहयोगी कुछ भी बता नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि आज उन्हें गुस्सा आ गया। जब तू हमारी नहीं सुन रहा तो तू ये बता, जब तू हमारी नहीं सुन रहा जनता ही सुनेगा? इन गांव वालों के ना सुनोगे तो यार इनको तुम्हारा दूंगे। ऐसे ही पैसे खींच रहे हो तुम, ऐसे पैसे कमाओगे यार? रोज 10,000 रुपए ऐसी बात ही कमा रहे हो क्या? केवल लोगों को बेवकूफ बना कितने? सुनो सुनो, केवल कलेक्टर में आकर तो होगा, पोस्ट ऑफिस में 1 मिनट में अपडेट होता है, 1 मिनट में। उसको नियम पता है कि अपडेट होता कैसे है, लेकिन तुझे केवल कंप्यूटर चलाना आता है जो हमारा दिल में बैठा है। हाँ, तुझे पता नहीं है? मैं कस्टमर के अपडेट था ना, और मेरा अपडेट करा आज बैठ कर, और अपडेट करवा के लूंगा तुझ समय। कौन कौन से कागज लग रहे हैं भैया? जी जी कह रहा हूँ, बार बार सबको बताऊँ फिर का क्या कारण है। हाँ, मुझे पासपोर्ट बनवाना था, तो मुझे ये अपडेट करवाना था आधार कार्ड। तो अपडेट करवाने के लिए मैं पिछले जो है कम से कम 4 बार यहाँ आ चुका हूँ। 4 बार में 50-50 रुपये 4 बार दे चुका हूँ, लेकिन मेरा अपडेट नहीं हो पा रहा था। और नहीं हुआ तो फिर मैंने कस्टमर केयर लगाया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कमियाँ हैं और वो केवल वह कुर्सी पर जो बैठे हैं वो सारी कमियों को दूर करेंगे और वहीं से जो है सारा होगा। मैंने यहाँ आकर 4 बार इनसे पूछा भी, लेकिन आने के बाद पूछने के बाद इन्होंने मेरे लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और उन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहाँ तो इतना ही कर पाते हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें। तो आज मुझे थोड़ा सा लगा, मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने इनसे पूछने का प्रयास किया कि इसकी कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ से ये पता लग जाए कि ये अपडेटिंग कायदे से होगा कैसे, क्या क्या इसमें कागज़ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्राथमिकताएँ हैं डॉक्यूमेंट्सों की, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई बात सुनने में नहीं सुनी नहीं इन्होंने। और उसके बाद फिर मुझे आज मुझे गुस्सा आया, तो मैंने थोड़ा सा गुस्से के कारण जो है, हालांकि मैं गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए मेरे काम के हिसाब से, मैं जो काम करता हूँ, लेकिन मजबूरी ये समय समय पे, हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन परशुराम बनने का हमें अवसर प्रदान होता रहता है। कितने समय से परेशान हो रहे हैं? मैं लगभग 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ। बगल वाले ने कहा कि 3 महीने अपडेट होगा, और इन्होंने कहा कि 10 दिन में होगा, तो मैं 3 महीने उसका इंतजार किया मैंने, फिर 10 दिन इसका इंतजार किया मैंने, फिर दोबारा आया, 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। मतलब अब 4 चक्कर लगाने के बाद भी अगर मुझे गुस्सा नहीं आएगा फिर मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ।